ये कहानी मेलिसा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे गपागप करने का इतना शौक होता है कि वो एक साथ पांच पांच लड़कों के साथ गपागप करती है। इसके बाद मेलिसा अपनी प्यास बुझाने के लिए और क्या क्या करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मेलिसा पी, और ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं, जो अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ रहती थी। मेलिसा के उसके मॉम के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अपने ग्रैंडमा के काफी करीब थी। मेलिसा की ग्रैंडमा को स्मोक करने की आदत थी, इसीलिए उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक सुबह मेलिसा अपने मौत के कुएं में उंगली डाल रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और मेलिसा खुद को रोक लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ डैनियल के घर पे जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है और आज उसके घर पे एक पार्टी थी। मेलिसा डैनियल को बचपन से ही पसंद करती थी, पर डैनियल ने उस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब मेलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है, तभी वहाँ पर डैनियल आता है और वो उसे पानी में गिरा देता है। मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था, और जब ये बात डैनियल को पता चलती है तो वो मेलिसा को पकड़ के किनारे ले आता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेलिसा सोचती है कि ये साला पता नहीं क्या दिखाएगा, पर डैनियल उसे अपना गार्डन दिखाता है। फिर डैनियल मेलिसा को बोलता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ रोज अकेले आना होगा। अब ये सुन के मेलिसा खुश हो जाती है, पर वो डैनियल को हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। यहाँ मेलिसा डैनियल को बताती है उसने अभी तक किसी भी लड़के के साथ गपागप नहीं किया। अब मेलिसा की इन बातों से डैनियल को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है, और डैनियल भी इस बात का फायदा उठाता है। वो मेलिसा को अपना छोटा चेतन चूसने के लिए बोलता है, और मेलिसा भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब मेलिसा की छुट्टियां खत्म हो गई थी और आज उसके स्कूल का पहला दिन था। मेलिसा वहाँ पर डैनियल का वेट कर रही होती है, पर वो नहीं आता। दरअसल उस दिन के बाद से डैनियल कभी भी मेलिसा से मिला ही नहीं। इसके बाद मेलिसा के दोस्त उसे बोलती है कि तुम डैनियल को भूल जाओ, पर मेलिसा उसकी बात नहीं मानती और वो अपनी डायरी में लिखती है कि वो कभी भी डैनियल को माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों उस क्लब में जाते हैं। वहाँ मेलिसा डैनियल को देखती है और डैनियल भी उसे देख लेता है। फिर डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। डैनियल मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेलिसा भी उसे हाँ बोल देती है, और फिर वो दोनों डैनियल के घर चले जाते हैं। वहाँ डैनियल मेलिसा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ गपागप कर सकता है, तो मेलिसा इसके लिए मान जाती है। तो फिर वहीं पर ही वो दोनों गपागप करते हैं। गपागप करने के बाद मेलिसा डैनियल को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, और इस पर डैनियल उसे बोलता है कि तुम पागल हो क्या, और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से मेलिसा पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि डैनियल ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। इसीलिए मेलिसा भी अब डिसाइड करती है कि वो भी अब लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और किसी के भी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी। इसके बाद मेलिसा की ग्रैंडमा की तबीयत थोड़ी खराब जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। पर ये मेलिसा को गलत लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उससे उसकी ग्रैंडमा को दूर करना चाहती है, और इस बात पे मेलिसा की उसकी मॉम के साथ बहस भी हो जाती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है, वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सभी उसका काफी मजाक उड़ाने लगते हैं। पर वहाँ पे मार्को नाम का एक लड़का होता है जो उसकी फीलिंग समझ रहा होता है। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है, जहाँ एक आदमी उसे देखने लगता है। मेलिसा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देखो मैं इस आदमी को कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आके बैठता है, तभी मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद मेलिसा जब अपने घर पर पहुँचती है, तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा उसके घर आई है, जिनको देख के वो बहुत खुश होती है। जब उसकी ग्रैंडमा मेलिसा को देखती है, तो वो समझ जाती है कि मेलिसा पूरी तरह बदल चुकी है। वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती है, पर उसकी मॉम इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है, और वो मेलिसा को बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। अब ये सुन के मेलिसा पिछला सब कुछ भूल के डैनियल के पास चले जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अब उसे प्यार करने लगा है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर डैनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। मेलिसा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, तभी डैनियल वहाँ पे अपने दोस्त को बुलाता है, और वहाँ पे उसका दोस्त आके मेलिसा को किस करने लगता है। अब जब मेलिसा ये देखती है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। फिर डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, पर मेलिसा नहीं मानती। पर कुछ देर बाद मेलिसा फिर से डैनियल के दोस्त के पास आती है और उसे किस करने लगती है, और फिर वो तीनों एक साथ वहाँ पर गपागप करने लगते हैं। अगले दिन मेलिसा ये सारी बात अपने दोस्त को बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उस पर गुस्सा करती है और उसे इन सब से दूर रहने को बोलती है। पर मेलिसा को ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था, और वो एक एडल्ट साइट पर अपना अकाउंट भी खोलती है, जहाँ वो अपनी ये सब बातें शेयर कर सकती थी। एक दिन उन्हें एक साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब मेलिसा वहाँ पर अकेली बैठी होती है, तभी उसके पास एक आदमी आकर वहाँ पर बैठता है जो उस म्यूजियम में काम करता था। वो आदमी अपने साथ मेलिसा को गपागप करने के लिए बोलता है, और मेलिसा उसके साथ गपागप करती है। मेलिसा अपनी ये सारी प्राइवेट बातें एक डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है, वो देखती है कि उसकी प्राइवेट डायरी सभी लोग पढ़ रहे थे। ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो उसके लिए अपनी फ्रेंड को डांटने लगती है। इसके बाद जब वो घर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, जिसको देख के उसे भी फील होने लगता है कि
आज उसे भी ऐसा कोई मिल जाए जो उससे प्यार करे। अगले दिन मेलिसा जब अपने स्कूल से घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी डायरी को बाकी सबको पढ़ाने के लिए उसे माफी मांगती है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं एक लड़का जिसका नाम मार्को होता है वो मेलिसा को देख रहा था। दरअसल मार्को मेलिसा को बहुत पसंद करता था, मेलिसा ने उसे आज तक भाव नहीं दिया। फिर मार्को मेलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। फिर जब मेलिसा डैनियल के फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे एक बंकर में ले जाता है। वो उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है और वो उसे इस बंकर के अंदर ले जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के भूखे नंगे भेड़ियों की तरह उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो मेलिसा के आते ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके साथ घपाघप करने लगते हैं। मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और वो भी उनका साथ देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और मेलिसा सोच रही होती है कि उसने जो भी किया उसे उसका कोई भी पछतावा नहीं है और वो बिल्कुल सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम उसके कमरे में जाती है और वहाँ पे वो उसकी डायरी पढ़ लेती है। फिर वो मेलिसा को कॉल करती है पर मेलिसा उसका फोन नहीं उठाती। दरअसल मेलिसा एक आदमी के घर पे घपाघप करने के लिए गई हुई थी। फिर जब मेलिसा की मॉम इस बारे में मेलिसा की ग्रैंडमा को बताने जाती है, वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंडमॉम अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुन के वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, रोने लगती है। फिर जब मेलिसा अपने घर वापस आती है तो उससे उसकी मॉम उस डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिसा उन्हें बोलती है कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। ये सुन के उसकी मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उसे इस बात का पछतावा होने लगता है कि वो मेलिसा पे ध्यान नहीं दे पाई। इसके लिए मेलिसा की मॉम उसे माफी भी मांगती है। अब मेलिसा को भी गिल्ट फील होने लगता है और तब से वो अपनी सारी गंदी हरकतें बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद मेलिसा जब स्कूल वापस जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि डैनियल अपने दोस्त से लड़ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा ने एक साथ 5 लड़कों के साथ घपाघप किया था। तभी डैनियल मेलिसा को देख लेता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है। अब वो अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा खुश है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।